तो हम रघुवालों के प्रणाम करना चाहनी सब दर्शकन के। ये तकरार में हम पॉजिटिव रोल कर रहा था नहीं, ये फिल्म के रतन रहा जी माननीय डायरेक्टर हैं जिनके साथ है हमारी चौथी फिल्म होने जा रही है। हमने इनके साथ कर्मयुग किया, बनारसी पहलवान किया, राखी और सिंदूर अभी अगले महीने उसका भी शेड्यूल है और अभी तकरार बहुत जल्द हम लोग जा रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रतन राहा जी की मैं हर फिल्मों में कोई ना कोई करेक्टर में रहता हूँ। सबसे इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि रतन राहा जी अपनी हर फिल्मों में मुझे रखते हैं, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनके साथ मैं चौथी फिल्म करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जी हाँ, हर फिल्मों में वो अलग अलग किरदार देते हैं, ऐसे मैं उनसे ज़्यादा पूछता नहीं। वो हर फिल्मों में मुझे बहुत बढ़िया रोल दिए हैं। इसके पहले मैंने कर्मयुग में भी पॉजिटिव रोल, जो एक मेन रोल है, मैंने किया था। संजय पांडे और अयाज खान उसमें भतीजा हैं। और दूसरी फिल्म हमने उनकी बनारसी पहलवान है जो मेन विलन किया, और राखी और सिंदूर में भी मेन विलन हूँ। इसमें हमारा कमिश्नर का कैरेक्टर है जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो विलेन लोगों से लड़ाई लड़ता है। इसमें मैं थैंक यू भोजपुरी भाई लोगों की, सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम यह पिक्चर में अभी नया हैं और हमारे रतन राहा डायरेक्टर जी जो हैं उन्होंने हमें चुना है इस लायक। हम अपने भोजपुरिया समाज के लोगों से कहल चाह थी कि जैसे ही हमारे रतन राहा डायरेक्टर जी ने हमको चुना है, कम से कम आप लोग हमको उतना प्यार दीजिए कि मैं जो जिस लाइन में उतरा हूँ उस लाइन में सक्सेस दूँ। इस फिल्म में मैं इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ और हमारे हीरो जो है राकेश मिश्रा भाई हैं उनके साथ में मैं भाई भाई का रोल है हमारा उनका। आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये फिल्म कैसे मिली सर? फिल्म तो हमें हमारे डायरेक्टर रतन राहा जी ने दिया है और दो साल से हमारी उनकी चर्चा चल रही थी इस फिल्म में और हम महाराजगंज जिला गोरखपुर के रहने वाले हैं। सर जी अपने को तो संगीत और ये भोजपुरी सिनेमा सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। रह गई बात, अपने सबसे ज़्यादा प्रिय खेसारी लाल थे जिसके सौजन्य से मैं इस लाइन में आया था और आज हमारे हीरो खेसारी लाल का सर जी गाना तो कुल मिला के लगभग सब ठीक लगता है। नहीं, गाना तो नहीं गाने आता है मुझे। हाँ सर जी, मेरे अपोजिट में उजाला जी हैं। नहीं सर जी, अभी तो फिलहाल डांस नहीं किए हैं लेकिन कोशिश करेंगे। तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर जी, तैयारी कर रहे हैं ना। नहीं सर जी, रतन जी तो हमारे लिए समझ लीजिए मेरे ज़िंदगी से बढ़ के भी ज़्यादा मैं उन्हें मानता हूँ, क्योंकि मैं उस लायक था नहीं और हमारे रतन जी ने हमें जिस लायक किया है आज मैं उनका हाथ जोड़कर मीडिया के सामने, पूरे भोजपुरिया समाज के सामने मैं उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। राकेश जी तो हमारे प्रिय भाई हैं, आज जो हमारे बीच में नहीं हैं थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन ठीक है, शूटिंग में हम लोग मिलेंगे एक साथ में। संजय जी के बारे में, संजय जी को तो पहली बार उनके भाई, अच्छा गुजरात में। संजय जी तो बहुत अच्छे हैं, फिलहाल अभी हमारा उनका नया परिचय है, अब आगे दोस्ती बढ़ेगी, उनका व्यवहार और हमारा व्यवहार एक साथ मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या बोले। मेरा इस फिल्म का तकरार का मुहूर्त किया जा रहा है और मेरा राकेश जी जो हैं मेन लीड में हैं, इनके मैं छोटे भाई हूँ, इनमें यही रोल हमारा है। और इस फिल्म में हम और हमारे सब आर्टिस्ट भोजपुरी समाज के लोग आए हैं, इनका प्रेम और स्नेह मिलेगा, हमें अति पार खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सारा भूमिका सारा चीज़ हमने रतन जी के, हमारे डायरेक्टर हों पिता समान हों, उनके छोड़े हुए हैं। रतन जी हमारे आज के 8 साल पहले से मुलाकात हैं, जो हिंदी पिक्चर बोली और ये हमारे पिता समान भी हैं और गुरु समान भी हैं और सारा हमारा श्रेय इनके ऊपर है। हाँ बताया
बताया गया बता बोले हैं कि अब जो है कि राकेश मिश्रा जी के साथ में छोटा भाई बनना है, जिन्हें एसपी का हम लोग दो लड़के रहेंगे जिसमें बड़े भाई ही रहेंगे और छोटे हम रहेंगे। सूर्या समाज समाज की प्रणाम करता नहीं और जी मैं इसमें एक दोस्त का रोल निभा रहा हूँ और मुझे ये खुशी है कि मैं अच्छा किरदार निभाऊंगा और हमारी ये रतन जहा जी हैं जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं ज़्यादा क्या कहूँ उनके बारे में, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार। बहुत खुशी है कि आज हमारी फिल्म की मुहूर्त है तकरार। देखिए स्टार कास्ट तो मेन है राकेश मिश्रा एंड निशा दुबे और सनी सिंह हैं और हमारे शिवा अग्रवाल हैं, सबद लाल यादव हैं और बाकी के सब कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सारे, सीमा सिंह हैं डांस में और हमारे अय्याज खान हैं, संजय पांडे जी हैं विलेन में एंड गिरीश शर्मा जी। हाँ जी हाँ जी देखिए आप लोगों का प्यार रहा तो हो जाएगा वो भी। सर आप लोगों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, सब मिलते जा रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ बिहार मधेपुरा में एक फिल्म करने के लिए और फिर 20 से फिर ये इस पिक्चर की प्लानिंग है शूटिंग। अभी हम शूटिंग करके आए हैं बनारसी पहलवान का, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास है, वहाँ शेड्यूल पूरा कंप्लीट करके आए हैं, एडिटिंग चालू है उसकी और नेक्स्ट ये इस पिक्चर की आज जो मुहूर्त है रिलीज में कर्मयुग है जो रितेश पांडे, प्रियंका पंडित, निशा दुबे एंड सनी सिंह है, संजय पांडे जी हैं, अय्याज खान है, गिरीश शर्मा है, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली इसी महीने में नहीं तो मई में रिलीज़ होगी। सर नए लड़के आते हैं कि सर हमें हीरो बना दो और बहुत ये करते हैं, प्रेशर देते हैं तो सब तो एक दिन नए आते हैं और पुराने होते हैं। सर मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी हीरो बनना है। हाँ तो बना देंगे, इसमें क्या है, आइए वेलकम। संजय भूषण पटियाला हमारे बहुत खास मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं और दिल से लगे हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इनको कभी भी मैं हीरो बना सकता हूँ। कुछ नहीं बस तैयारी रखिए, डांस फाइट एक्शन और क्या डायलॉग अच्छे बोलिए। तो जब आपके पास कोई नया फेस आते हैं, नए स्टार कास्ट आते हैं तो आप उनका कुछ ऑडिशन या कुछ लिया जाता है कि वो बोलते हैं और आप देखिए कुछ गेटअप देख के बातचीत करके समझ में आ जाती है कि ये हीरो बनने लायक है और जहाँ तक थोड़ी बहुत कमी होती है वो शूटिंग में मैं कर लेता हूँ, उनको पूरा तैयारी कर देता हूँ। और कुछ संजय जी? ये बताइए फिल्म के हीरो फिल्म की हीरो हाँ शिवा अग्रवाल जी जो हैं मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कई लोगों से मिलाया और ये प्रोजेक्ट पे बहुत मीटिंग हुई, आज जाके वो इस रास्ते पे आए, हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं। शिवा अग्रवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है और यादव जी का है और एक खुशी शर्मा है हमारे उसका है, अभी खुशी शर्मा का भी आप लोग इंटरव्यू ले लीजिए। सर गिरीश शर्मा बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री जब से चालू हुई तब से मैं उनको जानता हूं और उनका व्यवहार स्वभाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं उन मेरे साथ जो भी हैं संजय पांडे जी उनको भी मैं रिपीट करता हूं, कानू मुखर्जी डांस मास्टर है हर पिक्चर में मेरे साथ हैं, मेरी पहली फिल्म इंस्पेक्टर चांदनी रानी चटर्जी के साथ हुआ जो काफ़ी चली बिहार में, बॉम्बे में बहुत चली पिक्चर। शौक जगह है तो अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा करेक्टर बाकी जिसमें आप उन्हें रखें उस करेक्टर के लिए है।
संजय भूषण पटियाला इसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर मैं दूंगा, लेकिन अभी स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो जाए फिर मैं बताऊंगा उनको। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि बाद दर्शकों से? मैं यही कहूंगा, विनती है मेरी कि मेरे हर आने वाली फिल्म अवश्य देखें, जरूर देखें और मुझे प्यार दें और आशीर्वाद दें कि मैं हर महीने एक फिल्म आपके सामने शूट करके और सिनेमा हॉल तक पहुंचाऊं। मैं यानी कनक यादव की तरफ से मेरे सभी भोजपुरी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि डायरेक्टर रतन राहा जी हैं, इनको मेरी शुभकामना है कि इन्होंने तकरार स्टार्ट की है और एक अच्छी फिल्म जो है भोजपुरी दर्शकों को देंगे। साथ में राकेश मिश्रा जी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, निशा दुबे हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रमेश गुप्ता जी, इनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। फिल्म बहुत अच्छी बने और लोग सिनेमा हॉल तक देखने जाएँ, मेरी यही कामना है। और आप सबसे भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। मैम मैं बहुत खुश हूँ और इस मूवी का मुहूर्त हुआ, मैं फर्स्ट टाइम सर के साथ में काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि सर मेरे को बहुत अच्छा इसमें कैरेक्टर देंगे। सर तो अभी नहीं बताएं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी चल रही थी, मेरा शो वगैरह चल रहा था, तो मैं कुछ अभी तक सर से मेरे से कुछ बातें नहीं हुई। मैम सर एक शूटिंग पे थे, वो शूटिंग का सॉरी नाम नहीं पता है, तो सर मैंने सर से मिला बनारस में, तो बात वगैरह की थी, तो मैंने सर ने बोले कि खुशी तुमको मैं अगले मूवी में चांस दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी सर को देखी, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मेहनत करते हैं। वेलकम। और जिस तरह से आप हीरो के छोटे का किरदार निभा रहे हो, तो किस तरह का किरदार है कुछ बताएं आपको रतन जी? सबसे पहला मेरा नमस्कार है, मेरा नाम है कृष्णा राजेश गुप्ता, हाँ, और मेरा किरदार है पहला आना का है मेरा किरदार, फिर मैं बड़े होके हीरो बनूंगा। और रतन जी के बारे में क्या बताना चाहोगे, किस तरह के डायरेक्टर? रतन जी के बारे में वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मेरा पहला फिल्म है उनके साथ। थैंक यू। थैंक यू। अभी कुछ मुझे फिक्स नहीं पता है क्या करना है मुझे, लेकिन जो भी है। अभी इतनी नर्वस क्यों हो? नहीं, बहुत खुश, खुशी की नर्वस दिख रहा है आप लोग को, नर्वस नहीं हूँ। हाँ वो सर तो अच्छे हैं, इसके पहले भी हमने उनके साथ काम किया है एक पिक्चर में, बनारसी पलवन, और ये हमारी दूसरी पिक्चर है। अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करना भी अच्छा लगता है। हमारी कॉमेडी बहुत अच्छी होगी और कॉमेडी हम करते हैं, पब्लिक हंसती है, सब मुझे ही घेर घेर के रखते हैं और सब बोलते हैं आप जॉनी लीवर से मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं बोलता है नहीं, उतना मैं मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आप लोग का भोजपुरी आदर्शियों का प्यार भरा मिलेगा तो ज़रूर जॉनी लीवर जैसा हो जाएगा एक साल दो साल में। और ये चौथी फिल्म है मेरी रतन राहा जी के साथ में, गिरीश शर्मा जी के साथ में, अय्या जी के साथ में, चौथी फिल्म है। उन्होंने उनको भगवान ने भेजा हमारे पास, हम समझ लो 20 साल से ये रास्ता ढूंढ रहे थे, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन उनको भगवान ने भेजा हमारे यहाँ। एक साल से उनसे बरसे होते 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 उन्होंने बोला बेटा मेरी फिल्म शुरू होने वाली है, मैं तुमको लेगा, उन्होंने दिया मौका, चार फिल्म हुआ मेरा, बहुत मज़ा आया हमारे गाँव में अगल बगल, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा माहौल है आज एबीएस स्टूडियो, सामने स्टूडियो में जिसके निर्माता राहुल, क्या नाम है उनका? रतन राजी नहीं, निर्माता रमेश गुप्ता जी हैं और डायरेक्टर इसके हैं निर्देशक रतन राहा जी। आज बहुत अच्छी फिल्म का मुहूर्त है, तकरार नाम से ही लग रहा है, पता नहीं तकरार अंदर क्या है। और इसमें एक्टर हैं राकेश मिश्रा, वैसे तो मैं पहली बार राकेश मिश्रा की फिल्म को मैं म्यूजिक डायरेक्शन कर रहा हूँ,
और ये लोगों का प्यार है, आप जैसे बता रहे हैं कि लगातार फिल्में आ रही हैं, चलते रहता है, ईश्वर की कृपा है और दर्शकों का प्यार है। तो आज इस फिल्म का जो मुहूर्त है, इसमें गाना आज गाने से मुहूर्त हो रहा है, इंदु सोनाली जी आई हुई हैं, इसमें अच्छे संगीतकार हैं, राजेश मिश्रा जी हैं, मुन्ना दुबे हैं, सुमित चंद्रवंशी हैं और बीना निर्मल का गीत है, बहुत सारे गीत हैं, 8-9 गीत होंगे ही। और रतन राहा जी जो हमारे बड़े अच्छे एक गार्जियन जैसे निर्देशक हैं, अब तक तो लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में हमारी हमने म्यूजिक दे दिया है। देखिए ये दूसरी बात विषय चेंज हो रहा है, ये सब रतन राहा जी बताएंगे चेक कितना मिल रहा है, कैश कितना है, हम समझ गए। आईपी तकरार तो सस्पेंस होगा ना, ये नहीं कि हीरो विलेन का तकरार है, इसमें तकरार हीरो हीरोइन का भी होगा और बहुत सारी डिफरेंट कहानियां हैं, म्यूजिकल फिल्म होगी, गाने जब हमारा म्यूजिक तो लाजमी है, म्यूजिकल तो होगा ही, और हर टाइप के गाने हैं, 3 रोमांटिक गाने हैं, 1 आइटम गाना है और 1 सैड भी गाना है, शायद मोहम्मद रफ़ी जी गाएंगे शायद। तो हम यही कहेंगे कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखेंगे और आप सभी मीडिया वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, मैं दामोदर राव धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि इसको सफल बनाएं, आप ही के द्वारा हमारी बातें दूर दूर तक जाती है और आज इतनी भीड़ जो है एकदम मतलब पसीना से हम लोग लथपथ हो गए हैं, तो यही सब बात है। और हमारे बगल में खड़ी है, क्या नाम है आपका? उजाला। एक्चुअली अभी हमको किरदार तो नहीं बताया गया है, बट जो भी है सर ने, रतन राज जी ने हमको बोला है, बट होएगा लीडी होएगा, आई एम श्योर लीडी होएगा। और बट तकरार पिक्चर का नाम है, तो तकरार मतलब समझ सकते हो आप किस चीज़ की तकरार होएगी, बट अभी हमको स्क्रिप्ट नहीं बताई गई है, अभी देखो जब काम शुरू होएगा तो बताएंगे। पोस्टर में बहुत सारी एक्ट्रेस नजर आ रही थी, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आपका तकरार ऐसे भी चल रहा हो? नहीं, बट आई डोंट नो, मेरा किसी के साथ तकरार नहीं है, फ्रेंडशिप है और कोई के साथ नहीं है, मेरा तकरार किसी के साथ नहीं है जी। हैट्रिक फिल्म है मेरी रतन जी के साथ, ये तीसरी मूवी है, तो मुझे भी ढेर सारी मुबारकबाद, रतन जी को भी ढेर सारी मुबारकबाद। तो हमारी 3 फिल्में, पहली करम युग, दूसरी बनारसी पहलवान और तीसरी ये टकरार, हम 3 फिल्में एक साथ किए हम लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी आपका, जो मुझ पर आप भरोसा करते हैं उसके बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये मेरी मूवी है तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, स्टोरी सुना मैंने बहुत ही अच्छी है, ये तो नहीं बोलूँगी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सब लोग यही बात बोलते हैं कि हमारी स्टोरी डिफरेंट है, तो डिफरेंट नहीं है, हम वही भोजपुरी मसाला लेकर आएंगे जो पब्लिक को पसंद है, पर हाँ फिल्म बहुत अच्छी है। एज यूजल जैसा हमेशा होता है, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करती हूँ, कभी कुछ चुलबुली लड़की बन के करती हूँ, कभी कुछ डिफरेंट ही होता है, तो इसमें भी मेरा करेक्टर बहुत ही अलग और एक चुलबुली नटखटी लड़की का है। हमारे डायरेक्टर बहुत सोबर है, शांत सोबर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी, बस इतना है कि हाँ आपका जो कैरेक्टर है उसको आप बखूबी प्ले करें। नहीं खानी पड़ती, हमारे भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है इस चीज़ को लेके कि आखिर ऐसा क्यों, कुछ कुछ ऐसा होता है, कोई सीन ऐसा होता है जो सर क्रिएट करते हैं और मैं उसमें उंगली करती रहती हूँ, इंटरफेयर कर, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही हूँ, तो सर बोलते हैं यार तुम क्यों दिमाग लगाती हो, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है तुम ऐसा करो, तो ये चीज़ें हमारे बीच में हमेशा होती रहती है। ज़रूर मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने हमारी फिल्मों को पहले पसंद किया है, मेरे एल्बम्स को पसंद करते हैं, वैसे इस फिल्म को भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम जो भी कलाकार हैं जो मेहनत करते हैं सिर्फ आप सबके लिए करते हैं, तो अपना प्यार अपना आशीर्वाद हम सभी दर्शक अपना